हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आज मैं फ्रिज को साफ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। तो इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ टिप्स कैसे आप इजीली फ्रिज को साफ कर सकते हो, और मैं फ्रिज को क्लीन करने के लिए एक क्लीनर भी तैयार करूंगी जिससे कि फ्रिज अच्छे से क्लीन हो जाए। तो चलिए फिर फ्रिज जो है साफ करते हैं। फ्रिज क्लीन करने से पहले हम ऊपर का सारा सामान और अंदर का सारा सामान जो है उसको हम खाली कर लेंगे। आपको फ्रिज साफ करने के लिए बेस्ट टाइम वही रहेगा जब आपके फ्रिज में कम सब्जियां हो, तब उस टाइम पे आप फ्रिज को क्लीन कर सकते हो, आसान होता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा फ्रिज कितना गंदा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ये प्लास्टिक का जो फ्रिज सेल्फ में डालने के लिए आता है वो भी मैं डाल के रखी हूँ, लेकिन वो भी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है आप लोग देख सकते हो। अभी आप लोग देखिए कितना गंदा है मेरा फ्रिज यहाँ पे, और फ्रीजर भी देख सकते हो बहुत ही ज्यादा गंदा है। यहाँ पे ऊपर का रबर जो होता है वो भी बहुत ज्यादा गंदा है। पहले मैं फ्रिज का सारा सामान जो है वो निकाल लूंगी। यहाँ पे मैं एक फ्रिज क्लीनर रेडी करने वाली हूँ, उसके लिए यहाँ पे मैं एक पानी लिया हूँ। इसमें आप कोई भी डिशवॉश लिक्विड जेल जो होता है वो ऐड कर लो, और वाइट विनेगर जो होता है वो एक कप इसमें ऐड कर लो, एक चम्मच ऐड कर लो। इस वाले स्प्रे बॉटल में वो क्लीनर को हम भर लेंगे, और अभी चलिए फ्रिज का सारा जो सेल्फ है उसको सूखे कपड़े से पहले हम क्लीन कर लेंगे। सूखे कपड़े से क्लीन करने के बाद सारे जितने भी सेल्फ होते हैं, डोर का सेल्फ और जितने भी फ्रिज का सेल्फ है, वो सब मैं निकाल लूंगी। इससे क्या होगा कि मैं अपनी फ्रिज को अच्छे से डीप क्लीन कर सकूं, ताकि कहीं पे भी दाग धब्बे, कहीं पे भी कुछ भी गंदगी ना रहे, अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। अब हम जो लिक्विड तैयार करके रखे थे क्लीनर, वो हम स्प्रे कर लेंगे फ्रिज के अंदर और बाहर, और फ्रिज को क्लीन करते जाएंगे सूखे कपड़े से। यहाँ पे मैं कपड़े ले रहा हूँ, आप लोग अगर चाहो तो स्क्रबर भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो बेंड होता है फ्रिज में, जहाँ पे हम लोग सेल्फ रखते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा फ्रिज का अंदर का पार्ट जो है अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब चलिए डोर के जो पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे स्प्रे जो है वो मैं डालते जा रही हूँ, और फ्रिज को एक एक के करके क्लीन करते जा रही हूँ, जहाँ जहाँ पे जितने भी डस्ट और दाग धब्बे जो है वो मैं क्लीन करते जा रही हूँ। अब बारी आती है फ्रिज की ऊपर की साइड और यहाँ पे रबर की क्लीनिंग भी। तो यहाँ पे मैं स्प्रे को डालते जा रही हूँ, और एक टूथ ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से रब करते जा रही हूँ, ताकि रबर जो है अच्छे से क्लीन हो जाए। रबर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह वो भर के रहता है, और कपड़े से अच्छे से क्लीन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मैं एक टूथब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अब बारी आता है ऊपर की, फ्रीजर की बारी आता है। तो डीप फ्रीज का जो ऊपर साइड होता है फ्रीजर, वहाँ पे भी मैं स्प्रे जो है वो डालती रही हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदगी है, वो मैं कपड़े से हेल्प से नहीं कर पाई अच्छे से क्लीन,
तो यहाँ पे भी मैं टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से उसको रब कर रहा हूँ और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया हूँ। तो मेरा फ्रीजर जो है वो अच्छे से क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्रिज जो है चमक रहा है, अच्छे से क्लीन हो गया है पूरा फ्रिज, रबर, डोर और अंदर। अब बारी आता है फ्रिज की आउटसाइड, बाहर का पार्ट जो है वो क्लीन करने का। तो यहाँ पे मैं वो स्प्रे जो है वो चारों तरफ डाल दिया हूँ और कपड़े की हेल्प से अच्छे से मैं उसको पोंछ के क्लीन करते जा रही हूँ। और यहाँ पे फ्रिज का जो हैंडल होता है वहाँ पे भी ऑयली जो है वो था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है किचन में रहता है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा टूथब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा रब करके क्लीन कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रिज पूरी तरह से क्लीन हो चुका है अंदर बाहर। और यहाँ पे फ्रिज की बैक साइड में जो पानी, फ्रीजर से जो पानी निकल के रहता है वहाँ पे था, उसको भी मैंने फेंक दिया हूँ और क्लीन हो गया है पूरा। अब चलिए फ्रिज का जितना भी ट्रे वगैरह और सेल्फ वगैरह मैं निकाल के रखी थी उसको सारे डिशवाश और स्क्रबर के हेल्प से, यहाँ पे मैं टूथब्रश भी यूज कर रहा हूँ, तो सारे को हमें क्लीन कर लेना है, उसके बाद पानी से वॉश कर लेना है और उसको सूखने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद हम उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के दोबारा से फ्रिज में लगा देना है। यहाँ पे सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे डिशवाश और स्क्रबर की हेल्प से यहाँ पे मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो ये है ग्लास जो सेल्फ जो है फ्रिज का सेल्फ ग्लास में, ग्लास की मटेरियल में है, तो उसको मैं चारों तरफ ये ब्रश भी लगा के, टूथब्रश लगा के वो भी क्लीन कर रहा हूँ, ताकि जो भी गंदगी है जो क्लीन नहीं हुआ है वो भी क्लीन हो जाएगा। लास्ट में ये आइस का ट्रे जो है वो भी क्लीन कर लिया हूँ मैंने। और ये वाला प्लास्टिक सीट जो है जो मैं सेल्फ में डाली थी तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया हूँ, और अभी उसको अच्छे से वॉश करके धो के पानी से उसको मैं सुखा लूंगी, और उसको सूखने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ के फिर दोबारा से मैं फ्रिज में लगा लूंगी। अब मेरा फ्रिज जो है क्लीन हो गया है, अभी मैं फ्रिज को कनेक्ट कर लूंगी और ऊपर एक मैं कॉटन का कपड़ा यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि फ्रिज का जो कवर है उसको मैं वॉश करने के लिए रख दिया हूँ, कल मैं क्लीन कर लूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रिज कितना ज्यादा चमक रहा है, कितना क्लीन दिख रहा है। और यहाँ पे सारे ट्रे और सेल्फ को दोबारा से हम सेट कर लेंगे, आइस ट्रे जो है उसको भी हम सेट कर लेंगे। अब मैं जो प्लास्टिक सीड है सेल्फ में डालने के लिए वो भी डाल दूंगी और अच्छे से फ्रिज का जो भी सेल्फ वगैरह ट्रे सब कुछ सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं फ्रिज में सामान जो है वो भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आज मैं कितनी
आसान तरीके से और कम टाइम पे अपना फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ। अगर आप अपनी फ्रिज को अभी तक क्लीन नहीं किए हो तो जरूर क्लीन कर लेना। आज का इस वाले वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।